सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशं आनंदि वल्लभं गोविंद देवं वतिनां वरिष्ठं लब्ध प्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञाने गगण्यं कृतभूरि पुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। आज हम नवम अध्याय के अध्याय को समाप्त करने जा रहे हैं। कल तक हमने क्या देखा? ये देखा कि अभिजीत सुदुवाचा हो भजते माम अनन्य भाग साधु में वो समन्तव्य। यहाँ तक हम आए थे। आपको एक बात बता दूँ, जो मराठी भाषी हैं वो तो जानते ही हैं, जो अन्य भाषी हैं उनके लिए बता दूँ कि संत ज्ञानेश्वर ने जब संजीवन समाधि ली तब वे जब उतरे हैं वहाँ समाधिस्थ होने के लिए तब सामने नौवा ही अध्याय रखा था और नवम अध्याय का यही राज विद्या राज योग का पठन करते करते उन्होंने समाधि ली थी। तो ऐसा क्या है इस अध्याय में? तो वो जो है वो अभी आज समझ में आएगा। तो इसलिए देखिए सारे प्राण कानों में ला करके सुनिए कि आज जो है अंत तो है आज नवम अध्याय का, लेकिन यही नवम अध्याय क्यों ये राज विद्या है, क्यों ये राजगृह योग है, क्यों इसको संत ज्ञानेश्वर ने अंतिम क्षण में इसी का ही चिंतन करना उनको अभिष्ट था, ये हम देख लेते हैं। अभी श्लोक 31 क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। प्रतिजानी है यानी भगवान की प्रतिज्ञा है और भगवान की प्रतिज्ञा है साधारण आदमी की भी, उसका कहना और उसकी प्रतिज्ञा में फर्क है। कहना है वो उसका वो विरोध भी कर सकता है कि हाँ मैंने नहीं कहा था, ऐसा बोल देगा, नकार देगा। प्रतिज्ञा यदि की है तो उसको जीवन भर उस प्रतिज्ञा का पालन करना पड़ता है। ये तो हुई सामान्य आदमी की बात। अब ये साक्षात भगवान की प्रतिज्ञा है न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं भक्त मेरा जो भक्त है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। क्या बतलाया है कल जो श्लोक जहाँ हम रुक गए थे वहाँ ये था कि साधु में वो समन्तव्य यदि सुदुवाचारो अपि माम अनन्य भाग भजते, अनन्य भाग भूत्वा माम भजते तरही सह साधु एव मन्तव्य। यहाँ तक हम कल आए थे। अब बताते हैं कि वो जो है वो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, क्षिप्रं तुरत तत्क्षण, वो तत्क्षण तत्काल क्या होता है धर्मात्मा भवति, जिस क्षण उसने सोच लिया कि हाँ भाई अभी तक तो मेरे हाथ से कुछ तो आचरण हो भी गया लेकिन अब नहीं होगा, अब मैं भक्त बन गया हूँ। देखिए भक्त जो है ना उसके लिए अनिवार्य है कि वो सुशील हो, शील उसका यदि ठीक नहीं है तो भक्त होने के है ना भक्त संज्ञा ही उसको नहीं लागू पड़ती। तो जो मेरा भक्त हो गया क्षिप्रम यानि तत्क्षण धर्मात्मा भवति, यहाँ पे अभी श्लोक में कॉमा वगैरह नहीं होता लेकिन हम अपने लिए ये करेंगे कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कॉमा दीजिए कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। फिर क्या होता है शश्वत शांतिम निगच्छति, वो छ जो है वो संधि नियम से हुआ है, वहाँ शांति है, शांतिम निगच्छति वो शांति की ओर जाता है, निगच्छति नितांतम गच्छति, गच्छति तो ठीक है गच्छति यानी जाता है,
लेकिन नितांतम गच्छति निगच्छति, माने क्या, शांति की ओर ऐसा जाता है कि वो शांति कभी भंग ही नहीं होती। और शाश्वत शांति, शाश्वत होता क्या है, हम लोगों के भी जीवन में कुछ शांति के क्षण आते हैं, लेकिन तो उसको भी ख्याल में आता है और वो शांति भंग हो जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, जो धर्मात्मा हो गया वो उसकी शांति कदापि भंग नहीं होती। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। हाँ, यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया है और इसलिए बोला है कि कौन्तेय, अब ये संबोधन है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, न मे भक्ता प्रणश्यति पतिजानी। वस्तुतः ये प्रतिज्ञा स्वयं भगवान कर रहे हैं और पतिजानी ही का मतलब ये हुआ अज्ञात हो गया, मतलब ये कि तुम मेरी इस प्रतिज्ञा का तुम पूरा पूरा आकलन करो, तुम अच्छी तरह से ध्यान में रखो कि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो ये बात है, केवल इसीलिए नहीं, ज्ञानेश्वर ने, संत ज्ञानेश्वर ने जो संजीवन समाधि के समय जो यही अध्याय सामने रखा, पहली बात ये है कि इसी अध्याय में ये भगवान की प्रतिज्ञा है, न मे भक्ता प्रणश्यति। दूसरी बात क्या है वो अगले श्लोक में देखेंगे, ये श्लोक यही आए हैं इसीलिए। अब ये तो कहीं इसका ये नहीं है कि 9वें अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ते हुए उन्होंने समाधि ली, इसका ज्ञान मुझे तो नहीं है। यदि किसी में है आपके सुनने वालों में तो मुझे कृपया सूचित कीजिए। मगर इतना तो है कि 9वां अध्याय, तो मुझे तो लगता है कि यह अंतिम श्लोक ही उन्होंने अपने आंखों के सामने अंतिम घड़ी पे रखे होंगे। एक तो ये कि न मैं भक्त प्रणश्यति, आगे क्या है देखिए, मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते पि यान्ति परां गतिम्। लिस्ट दी है और तेपि अपि का मतलब है भी, वे भी परम गति यानि उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। परम गति यानी केवल सदगति, केवल स्वर्ग लोक नहीं मोक्ष, परम गति तेपि यानि कौन कौन देखिए, लेकिन कौन है वो, माम व्यपाश्रित्य, माम मुझे, भगवान कहते हैं कि जो मुझको व्यपाश्रित्य, व्यपाश्रित्य माने देखिए आश्रित्य का मतलब है आश्रय लेकर, यानी मेरा सहारा लेकर मेरे अधीन होकर, पर केवल आश्रित्य नहीं कहा है, व्यपाश्रित्य विशेषण वी है ना, व्यपाश्रित्य का मतलब क्या है, वी अप आ, तीन उपसर्ग लगे हैं, धातु तो एक ही है, श्री माने आश्रय लेना, आ श्री के पीछे यदि आ लगता है तो आश्रय लेना उसका अर्थ हो गया। तो आश्रित्य तो ठीक है, लेकिन वी और अपा क्यों लगा है, वी इसलिए कि विशेषण, विशेष तरह से, विशेष पद्धति से, यानी मैं क्या बोलूँ, मुझे ही शरण आना, मेरा ही आश्रय लेना, और वो विशेष रूप से, यानी क्या कि और किसी आश्रय का मन में चिंतन भी नहीं करना। और अपाश अप क्यों लगा है, इसलिए कि विशेषण अन्यान अपाकृत्य, सहारा लेने के लिए तो क्या होता है आजकल यही दिखता है कि हाँ भाई हम किसके सहारे से जिएंगे, हाँ कोई बहुत बड़ा धनी आदमी हो तो उसकी चापलूसी करेंगे, उसका आश्रय ले लेंगे, ये सोचते हैं। या किसी की यदि राजकीय ये हो तो उसका आश्रय लेंगे, यहाँ ये नहीं है, अन्यान अपाकृत्य यानी जो अन्य है उनका सोचना भी नहीं, अन्यान अपाकृत्य, इसलिए वो अपशब्द आया है वहाँ, अपाश्रित्य अप आश्रित्य और व्यपाश्रित्य विशेषण,
दूसरे किसी भी सहारे का किंचित भी चिंतन ना करते हुए विशेष रूप से जो मेरी शरण में आया है वो कौन है, कौन हो सकते हैं? देखिए, पाप यो न यहाँ, यानी पापी नहीं बोला है, पाप करने वाला आदमी नहीं बोला है, पाप योनि बोला है। तो कौन सी योनि होती है पाप की? देखिए, पाप जो होता है ना, तो हम ऐसा है कि जो पुण्य करता है ना वो खुले दिल से बोल सकता है, जो पाप करता है उसको बोलते समय सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो ना हो, कहीं मेरा कुछ मेरे पोर्टल ना खुल जाए, ये होता है। तो जो बोल नहीं सकता, पापी जो है वो बोल नहीं सकता। यहाँ पाप योनि बोला है, पाप योनि मैंने ऐसी योनि जो बोल नहीं सकती, यानी जानवर भी हो सकते हैं, वृक्ष भी हो सकते हैं। यहाँ जैसे गजेंद्र की बात है, आपको सबको गजेंद्र मोक्ष की कथा तो मालूम है। तो गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र कौन था? एक हाथी था, बोल नहीं सकता था, मानवीय वाणी उसके पास थी नहीं, तो भी उसने मन में एक चिंतन किया तो भगवान ने उसका उद्धार किया। तो पाप योनि। फिर आपको ये भी मालूम होगा, भागवत को सुनी होगी, यमला अर्जुन उद्धार पता है, आप दामोदर लीला पढ़ी होगी आपने। तो जो दो वृक्ष थे नंद जी के आंगन में लगे हुए, वो दो वृक्ष यानी शापित गंधर्व थे, तो उन गंधर्वों वृक्ष की योनि में थे और उन गंधर्वों का उद्धार किया, यानी वृक्ष की योनि में। अब वृक्ष की योनि भी पाप योनि है, गजेंद्र भी पाप योनि है। तो ऐसे जो बोल नहीं सकते ना, बोला है अर्जुन बेटा सुन लो कि जो बोल नहीं सकते वे भी, यदि माम व्यपाश्रित्य, यदि वह मेरे पूरी तरह से वो मेरा सहारा लेते हैं, मेरे शरण में आते हैं, तो परम गति यानी। अब यहाँ हो गया पाप योनि। फिर बताया है स्त्रियः। एक बात बताऊँ, मैं जब जब भी गीता पढ़ाती थी, एक तो मैं भी स्त्री हूँ और सुनने वालों में जितनी स्त्रियाँ थी उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा तो बोले, भगवान की नज़र में क्या स्त्री पुरुष से नीचे है क्या? यानी स्त्रियों को भी परम गति मिलती, क्या स्त्रियों को यूँ नहीं मिल सकती परम गति? उनकी शंका बिल्कुल ठीक है। स्त्री में और पुरुष में जो आत्म तत्व है उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या है यहाँ स्त्रियाँ, क्यों दिया है स्त्रियों का यहाँ विशेष उल्लेख क्यों है? इसलिए कि जिस समय गीता जी कहीं गई है युद्धक्षेत्र में, उस समय स्त्रियों को वेदों का अधिकार नहीं था। अब क्यों नहीं था? सुनिए, इसमें ये मत सोचिए कि हमारे पूर्वज कुछ पार्शलिटी करते थे, पक्षपात करते थे, स्त्रियों को नीचा देखते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल बात ये है कि अब ये तो सभी जानते हैं कि स्त्रियों को 4 दिन की समस्या होती है और तब वे अशुद्ध होती है। अब ये साइंस से भी सिद्ध हो चुका है कि उस समय जो होता है उससे जो परिसर है वो दूषित हो जाता है, इसीलिए दूर बैठने को बोला जाता था। बहुत ही साइंटिफिक है, हमारे धर्म में जो भी है ना परम शास्त्र ये है। तो होता ये था कि उन 4 दिनों में कुछ भी वो, यदि मान लीजिए अग्निहोत्र का अधिकार उन्हें दिया तो उसमें तो खंड नहीं पड़ना चाहिए, यदि हवन का अधिकार दिया तो उसमें खंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इन 4 दिनों में खंड होगा। फिर दूसरी बात यह है कि प्रसूति के दिनों में, यानी होता ये था कि स्त्रियों को यदि ये अधिकार दिया जाए वेद मंत्रों का उच्चारण करना है तो उसमें स्त्रियों का ही मतलब खंड होना, खंडित होना ही तो पाप है ना,
तो भैया तुमको ये अधिकार नहीं है, तुम बाकी सबको। इसमें मुझे नहीं लगता, मैं स्त्री हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अन्याय है। और एक बात है, जाने दीजिए, तो ये जो है स्त्रियः वैश्याः, अब वैश्यों को तो वेद का भी अधिकार था, ठीक है, क्योंकि त्रिवर्णों को अधिकार था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, फिर भी क्यों उनको बोला है कि वैश्या अपि वैश्य भी। ऐसा है कि वैश्यों का उनका स्वभाव है, उनकी स्वाभाविक वृत्ति है कि वे व्यवसाय करते हैं, धन कमाने में उनकी रुचि होती है। बुराई कुछ भी नहीं है, धन कमाना कोई पाप थोड़ी है, अगर आप धन कमाएंगे तभी तो दान करेंगे। लेकिन होता ये था कि धन कमाने में अधिक रुचि होने के कारण उनकी दृष्टि जो है वो बहिर्मुख होती थी, अंतर्मुख होना कठिन हो जाता था। लेकिन यदि कोई वैश्य पूरी तरह से समर्पित है तो उसका भी उद्धार होगा। फिर बतलाया है शूद्राः, अब शूद्रों को तो उन दिनों में वेदों का अधिकार था ही नहीं, क्यों नहीं था, वही बात है, बड़ा शास्त्रीय है। अरे भाई, ये शूद्र यानी कोई जन्मना शूद्र नहीं होता था उन दिनों में, ये बाद में हो गया ये सब। मुझे बताइए कि यदि कोई जन्मना शूद्र होता तो जो व्यास है, जो आदि गुरु है, व्यास पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ठीक, वे कौन थे? कानीन थे ना, एक कुमारिका का पुत्र था। अब कुमारिका का पुत्र यानी तो शूद्र की गिनती हो गई। जिसने रामायण लिखी वे भी कौन थे? मूल इसमें देखिए तो ये सब शूद्र माने वो कि जिनका वहाँ पे ये नहीं जाती। फिर जो हर एक की तो उतनी क्षमता भी नहीं होती, किसी किसी के पैसे कमाने में क्षमता है तो वेदांत में पढ़ने में नहीं है, किसी किसी की पढ़ने में क्षमता है तो शरीर के कष्ट करने में नहीं है, कोई सेवा अच्छी तरह से कर सकता है लेकिन उसकी स्मरण शक्ति कम ही है। तो ये देखिए, हर एक में हर एक क्षमता नहीं होती। और ये सामाजिक ये है चार वर्ग जो बनाए हैं, आज भी नहीं है क्या? देखिए, किसी भी बड़ी गांव में देखिए, एक है जनरल मैनेजर और एक है चपरासी। क्यों है? क्योंकि चपरासी की क्षमता जो है वो उसी की है। तो शुरू हो गया, उसको फोर्थ क्लास ही बोलते हो ना, फोर्थ क्लास माने क्या, शुरू में तो फोर्थ हुआ। तो बात ये है कि ये जो सामाजिक व्यवस्था है बिल्कुल निर्दोष व्यवस्था थी। यहाँ ये बतलाया है कि जो शूद्र है, जिनको केवल सेवा ही करना आता है, बाकी कुछ नहीं आता। और आपको मालूम है कि ऐसे कई संत हो गए, संत रैदास को आप तो जानते ही हैं, चमार थे, जूते बनाते थे, उनको तो वेदों का अधिकार था ही नहीं, लेकिन वो मुक्त हो गए केवल भक्ति के बल पर। मराठी में आप देखिए, संत जनाबाई, वो तो स्त्री भी थी और सेविका थी, माने शूद्र भी थी। शूद्र यानी सेवाभावी, सेवा करने वाला, सेवक। तो जनाबाई दोनों स्त्री भी थी, शूद्र भी थी, लेकिन मुक्त तो हो गई काय के बल पे, भक्ति के बल पे। तो ये बतलाया है स्त्रियों वैश्या तथा शूद्राः तेपि परां गतिं यान्ति। अब देखिए, ये जो है संत ज्ञानेश्वर, इनके सामने ये श्लोक था। आपको मालूम है, सभी कोई संत ज्ञानेश्वर का चरित्र जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, कि सन्यासी के बच्चे, उनका न तो उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन नहीं तो शादी भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं, वंश का विस्तार होना वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो यानी देखा जाए तो
जन्मना ब्राह्मण होते हुए भी, क्योंकि ब्राह्मण पिता की संतान थे, जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी समाज में उनकी गिनती शूद्रों में ही होती थी ना। शूद्रों क्यों? क्योंकि जनेऊ नहीं हुई और जिसका उपनयन नहीं होता उसको वेदों का अधिकार नहीं, यानी अधिकार नहीं माने वो शूद्र हो गया, क्योंकि बाकी तीन वर्णों को अधिकार है। तो जो उन्होंने संजीवन समाधि ली तब उनको ये दिलासा था, ये भगवान की प्रतिज्ञा थी कि न मैं भक्ता प्रणश्यति, जो मेरा भक्त है उसका कदापि विनाश नहीं होता, यानी मैं समाधि लूंगा तो भी देह भले ही जाएगा, मैं नहीं जा सकता। ये सत्य है, आज भी ज्ञानेश्वर जीवित हैं, चाहे ज्ञानेश्वरी के रूप में, कुछ भी आप समझिए, आप लोगों में कोई ऐसे होंगे कैसे कैसे जीवित हैं, अब जाने दीजिए, उसके भी प्रमाण है मेरे पास कि वो आज भी जीवित हैं, लेकिन वो सब बतलाने के यहाँ पर उतना समय नहीं है। लेकिन ये जो है अत्यंत दिलासा देने वाले ये दो श्लोक हैं, पहली बात न मे भक्ता प्रणश्यति, और ये जो है इन योनियों के पाप योनि हो स्त्री हो वैश्य हो शूद्र हो वे भी परागति को प्राप्त होने करने के अधिकारी हैं। ठीक, भागवत में बोला है ना कि केवले न भावे न गोप्यो गावो न गामो गाहा, देखिए ये ने मूढ़ हरियो ना गाहा सिद्धा मानी वंजसा, क्या है केवल नहीं भावे न, केवल भाव से भक्ति भाव से क्या बतलाया उन्होंने, गोपियां अगर कौन सा वो गई थी कि किसी पाठशाला में गई थी कि वेद शास्त्र संपन्न थी, कुछ भी नहीं था जी, उनको लिखना पढ़ना भी आता नहीं होगा, लेकिन ये सारे गोपियां तब गई। गाओ गौए, जिन गौओं को श्री भगवान का स्पर्श हुआ है, जिनका वो गोपाल जिसके कारण बने, ये गाये भी तर गई, अब वे तो पशु योनि में है वे भी तर गई। नगाहा, वो जो नग था गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत भी तर गया, अब पर्वत क्या है, अरे गाय जो है वो कम से कम ठीक है बोल नहीं सकती लेकिन जीवित तो है, ये नग में क्या है, नग में तो नग यानी पर्वत, तो पर्वत में क्या है, वो तो जीवित भी नहीं, चल नहीं सकता बोल नहीं सकता, वो भी तर गया। मोगाहा, वो गया ने जंगल में ले जाते थे वो गाय को चरने के लिए, और बंसी बजाते थे, बंसी सुनने के लिए जो हिरण आते थे वे भी तर गए, ये सब भागवत। तो इसलिए ये बताया है कि जो भी हैं मेरे भूभक्ति करते हैं वे परागति के अधिकारी होते हैं। अब ये बतलाने के बाद इसी के संधान से अगला श्लोक है कि जब ये लोग भी कौन से पाप योनि स्त्रियां वैश्य शूद्र इनका भी उद्धार होता है तो किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, क्या बतलाया है, जब इन लोगों को भी परागति मिलती है तो किम पुनः ब्राह्मण पुण्य, तो फिर जो पुण्य कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं उनकी क्या बात करते हो, किम पुनः यानी उनकी क्या बात है, यानी वे तो मुक्त हो ही जाएंगे, और भक्ताः और राजक्षयः, ये तीन क्यों बतलाए हैं। ब्राह्मण का अर्थ मैं फिर से बताती हूँ कि जन्मना ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण यानि ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः, जो ब्रह्म ज्ञानी है तो वे तो तरेंगे ही, जबकि ये वैश्य शून और ये खग मुग ये भी जब तर जाते हैं तो ब्राह्मण तो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो तर ही जाएंगे। फिर क्या बतलाया है, भक्ता, अब भक्ति से आपको गोपियों का मालूम है कि उनको ज्ञान भले ही नहीं था लेकिन भक्ति थी, और
राजर्षि, राजर्षि जनक राजर्षि। तो ये राजा थे, राज कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा था, अपना पूरा कर्तव्य पूरी तरह निभाते थे। ये तीन क्यों बताए हैं? देखिए यहाँ तीन लोग हैं, ब्राह्मणाः ब्रह्मज्ञानी यानी ज्ञान योगी, भक्ताः माने भक्ति मार्गी यानी भक्ति की बात बतलाई है, और राजर्षि योग जो है वो कर्म मार्गी है कि उन्होंने राज कर्तव्य की तरफ जरा भी दुर्लक्ष नहीं किया, राज कर्तव्य पूरी तरह निभाते हुए उन्होंने अपना मन भगवान की तरफ लगाया था। तो तीन मार्ग बताए हैं, ब्राह्मणाः बोल के ज्ञान मार्ग है, भक्ताः शब्द से भक्ति मार्ग है, और राजर्षि शब्द से कर्म मार्ग है। तो ये तीनों जो मार्ग हैं इनकी क्या बात करते हो? तो पहले तो वो बता दिया कि अरे भाई ये शूद्रों वूद्रों ये भी, ये पापी मुनि ये भी जब तक जाते हैं तो इनकी क्या बात है, ये तो तीन मार्गों से मेरा ही अनुसरण करते हैं, ये तो तर ही जाएंगे। यहाँ एक वाक्य समाप्त हुआ। अब दूसरे पंक्ति में क्या बोलते हैं कि अनित्यम असुखम इमम लोकम, यह लोक माने कौन सा लोक? ये यह लोक। तो यह लोक में जो भी है, यह लोक में क्या है? यह लोक में है इसलिए, ये देह है इसलिए हम यह लोक में हैं। जिस क्षण देह को छोड़ के आत्मा पायण करेंगे उस दिन से यह लोक से नाता समाप्त होगा। तो ये यह लोक कब तक है? जब तक देह है, और ये देह भी अनित्य है और ये यह लोक भी अनित्य है। तो इसलिए अनित्यम प्राप्य, प्राप्य माने प्राप्त करके यानी जान करके, ये जान करके कि भैया ये जो यह है इमम लोकम यानी ये जो लोक है, ये जो क्या हम कहेंगे, जो अहित बातें हैं, जो भौतिक है, ये सब लोक, ये भौतिक सुख को अनित्य मानो। और क्या बोला है? असुखम अनित्यम, असुखम है ना, अनित्यम असुखम, ये असुख है। असुख है बोले तो समझ में नहीं आएगा लोगों के, ऐसे कैसे, अगर मैंने नई कार खरीदी तो मुझे सुख होगा? स्त्रियां हैं, अरे कार की तो बात छोड़ो, एक नई साड़ी भी आ गई तो भी खुश हो जाती हैं, तो सुख नहीं है क्या? अगर अच्छा अच्छा भोजन मिले खाने को, सुख नहीं है क्या? तो असुख कैसे कहेंगे? इसी दुनिया की तो ये बातें हैं, भोजन हो, वस्त्र हो, कार हो, भवन हो, महल हो, हवेली हो, ये सब यही क्या तो है, ये सुख नहीं है क्या? तो भैया सुख तो है, लेकिन वो उस क्षण तक। एक बात बताइए, जिस क्षण आप नई कार खरीदी करते हैं उस दिन की आपकी खुशी, अब 10 साल हो गए उसी कार को लेके, अब उस कार को देखते हुए आपकी खुशी, फर्क है कि नहीं? कार है इसलिए आपको जाने आने में सुविधा है, आप उसकी उपयोगिता समझते हैं, सुख नहीं मानते। तो सुख जो है वो उस क्षण तक का था, ये तो हुई वस्तुओं की बात। अब मान लीजिए यश, 12वीं में एक लड़का मेरिट फर्स्ट आया, यश मिला, सुख तो हुआ उस क्षण, लेकिन बाद में उसके मन में ये भी आ गया, अब मैं मेरिट फर्स्ट आ गया, अब आगे चल के ये मुझे सब करना है ना, अब तो मैं बिल्कुल भी आलस नहीं कर सकता, जिम्मेदारी भी आ गई, दायित्व भी आ गया। देखिए जो यश है ना वो भी वो क्षणिक है। मान लीजिए किसी का सत्कार होता है, सत्कार मूर्ति बनता है, उस समय उसके गले में क्या क्या ये शाल श्रीफल दिया जाता है, वो एक क्षण है। बाद में क्या होता है? आप घर आइए,
और उसी समय आपका पड़ोसी आपके साथ झगड़ा करने को आ गया होगा कि आपके बच्चे ने मेरे आंगन में कुछ कचरा फेंका। अरे क्या हो गया, तुम कुछ क्षण के पहले सत्कार मूर्ति थे और आज पड़ोसी से झगड़ने वाले अभी सामान्य आदमी बन गए। तो कुछ भी नित्य नहीं और कुछ भी सुख जो है वो शाश्वत सुख नहीं। तो इमं लोकम अनित्यम असुखम प्राप्य, ये जान करके क्या कर, भजस्व माम, माम भजस्व, तुम केवल भजस्व का अर्थ ये नहीं कि मेरा भजन कर, माम भजस्व यानी मेरी शरण में आ जाओ, मैं जो कहता हूँ मेरे कथन पे विश्वास करो और जो मैं कहता हूँ उसी का पालन करो। तो ये है यहाँ दोनों, इसका ये है कि जब पाप योनि भी तर जाते हैं तो ज्ञानी भक्ति मार्गी कर्म मार्गी ये तरेंगे, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और इसलिए ये जो दुनिया की बातें ये भूल जाओ। अर्जुन के मन में कौन सी थी दुनिया की बातें, यही कि मेरे हाथ से, देखिए मेरे हाथ से, मेरा हाथ माने मेरे देह का हाथ, मेरे हाथ से मेरे गुरुजनों का वध होगा। गुरुजन कौन है, जब तक ये जन्म है तब तक वे गुरुजन है, वो गुरुजन का भी देह नित्य नहीं, अर्जुन तुम्हारा भी देह नित्य नहीं। तो ये नित्य जो है ही नहीं उसके बारे में सोचो ही मत। और भजस्व माम, तुम पूरी तरह मेरी शरण में आ जाओ। भजस्व का मतलब ये नहीं कि भजन करते बैठ गए, शरण में आ जाओ, ये मन में समझना कि वही एकमात्र शरण है और कोई शरण नहीं, ये मानना, ये भावना जो है वही, उसी के लिए बोला है कि अर्जुन ये सब छोड़ दो, ये अनित्य है, ये असुख है, इसको छोड़ के मान भजस्व, केवल मेरी शरण में आ जाओ। कैसे आना, अंतिम श्लोक देखिए, मन मना भव मद भक्तो मर्याजी माम नमस्कु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। क्या बताया है कि यदि तुम्हें पूरी तरह मेरी शरण में आना है, प्रपन्न होना है, शुरू में बोला है, दूसरा अध्याय में आता है कि अर्जुन ने बोला था शादी माम काम प्रपन्न, शादी माम मुझे उपदेश करो, मैं कैसा हूँ, काम प्रपन्न, मैं तुम्हें शरण आया हूँ। तो ये जो प्रपन्नता है, ये जो प्रपत्ति है, पूरी तरह शरण आना है, ये कैसा होगा, ये अर्जुन की जो थी ना ये तात्कालिक भावावस्था है उस समय। यहाँ ये बताया है कि आजीवन इसी अवस्था में रहो कि मैं जो भी कर रहा हूँ इसका दायित्व मेरे ऊपर नहीं है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरे हाथों से करवा रहा है। तो इसलिए क्या बताया है, मन मना भव। देखिए इस श्लोक की ये जो पहली पंक्ति है ना, ये बाद में 18वें अध्याय में भी आई है। तो यहाँ देखिए क्या बतलाया है, मन मना भव, तुम मन मना हो जाओ, यानी तुम्हारा मन और मेरा मन, इसमें फर्क ना हो, कितनी बड़ी बात है। मन में सतत चिंतन करना अपेक्षा खुद सरल है, लेकिन मन मना, तुम्हारा मन मेरा मन बन जाए, यानी जो मैं चिंतन करता हूँ वही चिंतन तुमको, मन मना हो। फिर मत भक्त, मेरा भक्त हो जाओ, माने जो भी भक्ति में क्या है, सब कुछ अर्पण कर देना, तो तुम स्व को अर्पण करो। यहाँ कई लोग बोलते हैं उसने सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व कोई अर्पण करता है क्या जी, बहुत बुरा दान दिया तो भी कितना दान दिया, जितना उसके पास है उसका यदि निकाला जाए, अनुपात निकाला जाए
तो कितना दान लिया? अगर मान लीजिए करोड़पति है तो उसने 2 करोड़ दान लिया, लेकिन बाकी है ना उसके पास, सर्वस्व कहाँ गया? अब भगवान को सच बताऊं, सर्व की क्या गरज है? ये सर्व जो है सब कुछ, ये देने वाला तो वही है ना, उसको इसकी क्या गरज है? वो क्या मांगता है? स्व। हमारा भीतर जो स्व है ना, अहम है ना, मैं करता हूँ, स्व अभिमान, स्व जो भी है, ये स्व अर्पण कर दो। तो भगवान स्व नहीं मांगता, भगवान स्व मानता है। और हम जो बोलते हैं ना सर्व स्व अर्पण कर दिया, वो कम सर्व सदैव वो आधा सत्य होता है, उसने अर्पण कर दिया, उसका श्रेय उसको लेना ही चाहिए, लेकिन आधा सत्य है। यहाँ ये बोला है मद भक्तो भव, ये भव सब जगह आएगा, हाँ, मन मना भव, मद भक्तो भव, तुम मन मना भव यानी जो मैं सोच रहा हूँ मन में वही तुम कहो, वही तुम्हारा चिंतन हो, फिर मन अर्पण कर दो, फिर स्व अर्पण कर दो, मद भक्तो, मद याजी, याजी यानी यज्ञ करने वाला, जैसे सोम याजी यानी सोम यज्ञ करने वाला, मद याजी यानी मेरा मेरे लिए अर्पण करने का यज्ञ करने वाला। तो यहाँ क्या है यज्ञ? क्या है यज्ञ? एक क्रिया है, तो सारी क्रियाएं मुझे अर्पण करो, ये आ गया उसमें। तो अर्जुन तुम जो अभी क्रिया करने वाले हो वो भी मुझे अर्पण करो, ठीक, और माम नमस्कु, मुझे नमन करो। नमन काहे से किया जाता है? देह से ही ना, चाहे हाथ जोड़ के कहो तो हाथ भी देह के है, चाहे साष्टांग प्रणिपात कहो तो आप देह से ही है। तो नमस्कु जो है नमन क्रिया है, तो क्रिया यानी क्या क्या बतलाया है? मन मना भव, मन अर्पण करो, मद भक्त, स्व अर्पण करो, मद याजी याने पदार्थ जो है यज्ञ में जो दिए जाते हैं वो सारे, उसमें दोनों है, क्रिया भी है और पदार्थ भी है, उसका सब कुछ मुझे अर्पण करो, और माम नमस्तु याने अपनी देह भी मुझे अर्पण करो, देह से ही तो नमस्कार होते हैं, तो सब कुछ जब मुझे अर्पण करोगे तब क्या होगा? माम एव इष्यसि, माम एव इष्यसि माने क्या? माम एव इष्यसि, एव बोला है, एव याने ही, माम ही मुझे, मुझ तक ही इष्यसि, तुम मुझ तक ही आ जाओगे। ये जब सब कहोगे मन मना मन भक्त मन याजी, ये जब तुम बनोगे तो तुम मेरी तरफ ही आओगे, मुझ में ही मिलन जाओगे। ये कब होगा? युक्त्वा एवं आत्मानं एवं युक्त्वा, ये देखिए ये जरा संधि है, सभी के समझ में आएगा ऐसा नहीं, जो संस्कृत के जानकार हैं वो तो समझ लेंगे, जो बाकी हैं उनके लिए मैं संधि विच्छेद करके बता रही हूँ कि एवं आत्मानं युक्त्वा, दूसरा शब्द है युक्त्वा एवं आत्मानं, तो एवं यानी इस प्रकार, हिंदी का एवं का अर्थ नहीं लेना, एवं यानी इस प्रकार, इन दिस वे, तो एवं यानी कौन सा? पहली लाइन, मन मना भव मद भक्त, तो इस प्रकार आत्मानं युक्त्वा, आत्मानं यानी स्वयं को, स्वयं को युक्त्वा यानी जोड़कर, तो इस प्रकार स्वयं को मुझसे जोड़कर, माम एव इष्यसि, तुम मुझको ही पाओगे, मेरी तरफ ही आओगे, मुझ में ही विलीन हो जाओगे। ये कब होगा? जब तुम मत परायण होगे, परायण होना माने, परायण होना माने बस उसी के लिए जीना। मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत से लोग पारायण करते हैं, बहुत से आप लोगों में से भी करते होंगे, वो सही में एक वही बहुत ही अच्छी बात है पारायण करना, उसमें संयम चाहिए, सब कुछ चाहिए, त्याग की भावना चाहिए, मैं समय दूंगा ये भावना चाहिए, ये सब है,
भक्ति की भावना चाहिए, ये सब है। लेकिन पारायण करने से भी अच्छा है पारायण होना, बस उसको छोड़ के और कुछ है ही नहीं। तो चाहे पारायण करें ना करें, नहीं भी किया तो भी वो पारायण है ही। यहाँ ये बतलाया है मत पारायण, यानी सब कुछ जो भी जीवन में है वो मेरे ही में ये करके। तो क्या बतलाया है कि मन मना भव, मद भक्तो भव, मद याजी भव, मत पारायण भव, हाँ, और माम नमस्को, और सदैव मुझको नमस्कार करो, मतलब मेरे आगे लीन हो जाओ, नम्र हो जाओ। हम यूँ किसी को नमस्कार नहीं करते, जिसको हम अपने से छोटा समझते हैं उसको हम नमस्कार नहीं करते। तो नमस्कार करने का मतलब ये है कि हम उसको श्रेष्ठ मान करके विनीत होना। तो ये करके, तो यहाँ जो है ना, मन मना, मद भक्त, मद याजी, मद पारायण, ये सब हो करके, ये सब भव ऐसा हो जाओ, माम नमस्कु और एवं आत्मानं युक्त्वा, इस प्रकार से स्वयं को मुझसे जोड़कर तुम माम एव एष्यसि। बताइए, स्वयं को भगवान के साथ जोड़ना अब समझ में आया होगा कि संत ज्ञानेश्वर ने क्यों यही ले लिया। जो संत ज्ञानेश्वर की यही तो भावना थी, वो क्या नहीं थे, मन मना, मन भक्त, ये सब कुछ उनको लागू होता है। और इसमें उनको ये दिलासा मिला है कि एवं आत्मानं युक्त्वा, इस प्रकार से स्वयं की आत्मा को उसके साथ जोड़कर माम एव इष्यसि, तुम मुझ तक ही आओगे। तो ये सब शब्द सामने रखे हैं, और इसीलिए मैं बताती हूँ कि अंतिम क्षण में जो शब्द सामने रहें, ये संत ज्ञानेश्वर की भावना थी। हम भी वही सोचें कि सदैव इसका ध्यान करें, और सदैव ध्यान करें तो क्या मालूम, हमको तो ये पता नहीं है कि हमारा अंतिम क्षण कब है, किसको ही नहीं जानता। लेकिन सदैव यदि ध्यान रहे तो अंतिम घड़ी में भी उसी का ध्यान रहेगा ना जी। और इसलिए ये यही है राजविद्या, यही है राजगुह्य। और आज यहाँ पर ये समाप्त होता है, हम यहाँ विराम लेते हैं, कल मिलेंगे दशम अध्याय को लेकर के। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं वाजप्रियं धर्म संस्थापकं नीरं कृष्णं वन्दे।